आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ओमनी कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो यूपीआई पेमेंट्स हमारे ओमनी कार्ड पर फेल हो जाते हैं या फिर सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिएगा। ओमनी कार्ड के लिए जो यूपीआई के पेमेंट्स है वो डायरेक्टली फेल हो जाते हैं या फिर पेमेंट हमारा नहीं हो पा रहा है, तो क्यों इस तरीके की इश्यू आ रही है या फिर क्या रीज़न है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो ओमनी कार्ड जो कि हाल ही में एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आया है और हाल ही में रिलीज हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 27 फेब को आया है, मतलब 1 से 1.5 महीना हुआ है इस एप्लीकेशन को आए हुए, और इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ओमनी कार्ड एप्लीकेशन के अंदर कुछ अभी जो है चीज़ें ऐड की जा रही है, फिलहाल ये टेस्टिंग मोड पर था, इस वजह से काफ़ी सारे जो पेमेंट्स है वो यहाँ पे फेल दिखाता है ओमनी कार्ड, इस वजह से आपका जो भी पेमेंट है वो फेल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें यूपीआई आईडी को जो है ऐड अगर आपने कर रखा है तो वापस आप उसे जो है निकाल लीजिए और रिमूव करके आप फिर से दोबारा ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ टाइम के बाद आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका इशू फिक्स होगा। बाकी अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा, और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप्स के ऊपर क्लिक करके ओमनी कार्ड के अंदर चले जाना है ऐप के अंदर, और जस्ट इसका क्लियर डाटा आपको एक बार कर देना है, और साथ ही इसकी परमिशन भी आपको चेक करनी है। अगर आपने कोई परमिशन नहीं दी है तो सारी परमिशन अलाउ कीजिए, और ख़ासकर फ़ोन और SMS की जो परमिशन है इसको आपको अलाउ कर रखा है ओमनी कार्ड के अंदर, और आने वाले टाइम में इसका अगर अपडेट आता है तो प्ले स्टोर से आप इसे अपडेट करवा लीजिएगा।